नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो T20 मैच खेले जाने वाला है। इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इस मैच में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले बात करेंगे 2-3 मेंबर्स में आपको प्ले करना है। 4 मेंबर्स के लिए थोड़ा बहुत मैच रिस्की होगा, क्योंकि 4 मेंबर्स में हमें ज़्यादा रिस्क लेना होता है। मेरा इन्वेस्टमेंट दोस्तों इस मैच में मीडियम रहने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे ये मैच रिस्की होने वाला है या फिर सेफ होने वाला है। तो अगर बात करेंगे मैच की, तो मेरे हिसाब से इस मैच में आपको क्रेडिट का इशू होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 क्रेडिट का इशू होगा जो हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक हाथ प्लेयर को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम 10 प्लेयर सेफ लेने वाले हैं, लेकिन एक प्लेयर पर हम रिस्क लेंगे। जो कौन सा प्लेयर होगा ये हमें हम जब टीम बनाएंगे तब आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो एक ही प्लेयर इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा, बाकी 10 प्लेयर जो है हमें सेफ लेने होंगे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। लिंक पे क्लिक करके सीधा ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। यही हमारे टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा किसी भी फेक चैनल पे बिल्कुल भी ज्वाइन मत होना दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा राहुल सिंह करके नाम है, जिस चैनल पर मेरा नाम दिखेगा यही मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर टीम बनाने वाले हैं। बात अगर करेंगे वेन्यू की, देखेंगे ब्राउन स्टेडियम में 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। आपको 7 बजे ऑनलाइन रहना होगा। 7:15 पे जो है मैं मेगालिक की 6 टीम्स आपको प्रोवाइड करूंगा, और मेगालिक का वीडियो 11 बजे आ जाएगा, तो उस वीडियो को भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको स्मॉल लीग की 1 टीम प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोस्तों अगर बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो देखिए हमें यहाँ पे पिच रिपोर्ट देखना होगा, लेकिन लास्ट के सिर्फ और सिर्फ हमें वो मैचेस देखने होंगे जो नाइट में खेले गए थे। डे वाले मैचेस नहीं देखना है हमें, नाइट वाले मैचेस देखना है। क्योंकि नाइट वाले मैचेस में होता क्या है कि ड्यू पड़ता है, ड्यू की वजह से जो है सेकंड इनिंग में बैटिंग ईजी हो जाती है। तो अब पिच रिपोर्ट जानने के लिए हमें ये देखना होगा, देखिए ये मैच खेला गया था 7:30 बजे, ये मैच खेला गया था 7:30 बजे, उसके बाद ये मैच खेला गया था 7:30 बजे, और लास्ट के दोनों ही मैचेस 3:30 बजे खेले गए थे दोपहर में। तो हमें ये मैचेस देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का जो मैच खेला जाएगा वो 7:30 बजे मैच खेला जाएगा, तो ऐसे में ड्यू पड़ेगी सेकंड इनिंग में और बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगी। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे, दोस्तों यहाँ पे देखिए चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 7:30 बजे मैच खेला गया था। तो स्कोर देखिए, फर्स्ट इनिंग का स्कोर कितना है यहाँ पे 210 का है, सेकंड इनिंग का स्कोर देखेंगे 211 का स्कोर है। उसके बाद ये मैच खेला गया था, आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग का स्कोर है 180 का, लेकिन सेकंड इनिंग में CSK की बात करेंगे तो किंग्स इलेवन पंजाब का बॉलिंग लाइनअप अच्छा था, इसलिए CSK की टीम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत तरीके से हार गई थी। उसके बाद ये मैच देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 190+ का स्कोर हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 190 का हुआ है। तीनों ही मैचेस में हमने दोस्तों एक यहाँ पे चीज नोटिस की है कि फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर बन रहा है ना वो काफी ज्यादा स्कोर बन रहा है, मतलब 170+ का स्कोर बन रहा है। तो जो भी टीम पहले दोस्तों टॉस जीतेंगी वो पहले बॉलिंग करने का या फिर बैटिंग करने का डिसीजन ले सकती है। अब बॉलिंग करने का डिसीजन इसलिए ले सकते हैं क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू पड़ेगा, इस वजह से जो है वो सेकंड इनिंग में बैटिंग ईजी हो जाएगी। लेकिन कोई टीम यहाँ पे बैटिंग करने का भी डिसीजन ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का स्कोर अच्छा बन रहा है दोस्तों। तो देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में भी स्कोर अच्छा बनता है और सेकंड इनिंग में भी स्कोर अच्छा बनता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन चले गए तो सेकंड इनिंग में नहीं चलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये लास्ट के 3 मैचेस का रिकॉर्ड है, शाम के 7:30 बजे खेले गए थे, तो आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बैटिंग, फर्स्ट टीम ने 3 मैचेस जीते, बैटिंग सेकंड टीम ने 3 मैचेस जीते। ओवरऑल मैचेस की बात करेंगे 11 मैचेस खेले गए, उसमें से बैटिंग फर्स्ट टीम ने 7 मैच जीते, बैटिंग सेकंड टीम ने 4 मैचेस जीते। लास्ट के जो 6 मैचेस खेले गए दोस्तों, आप देख सकते हैं 47 विकेट निकाले पेसर्स ने और 28 विकेट निकाले यहाँ पे स्पिनर ने। तो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाले पेसर्स, और लास्ट के मैच की अगर बात करेंगे 8 विकेट मिले थे पेसर को और 3 विकेट मिले थे स्पिनर्स को। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये भी नहीं कि इस मैच में स्पिनर विकेट नहीं निकालेंगे। हाँ, स्पिनर को अगर यहाँ पे 2 विकेट मिलेंगे तो पेसर्स को 6 विकेट मिलेंगे, ये थोड़ा रेशियो अलग रहने वाला है। पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे, राजस्थान रॉयल की बात करेंगे, 5 में से 3 मैच जीती, 2 मैच हार चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करेंगे, 6 में से 3 मैच जीते, 3 मैच हार चुके हैं। T20 डोमेस्टिक की बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल 215 इनका हाईएस्ट स्कोर है, और वही बात करेंगे लोएस्ट स्कोर की तो चेन्नई सुपर किंग्स इसी IPL सीजन में चेन्नई सुपर किंग का लोएस्ट स्कोर है। तो देखा जाए तो 200+ का भी स्कोर इस पिच पे बन सकता है, साथ ही साथ कोई टीम 150 रन के अंदर भी ऑल आउट हो सकती है। लेकिन 150 ठीक है, अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर ज़्यादा यहाँ पे किसी टीम की बॉलिंग लाइनअप अच्छी होती है तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्कोर बनेगा वो फर्स्ट इनिंग में भी 120 या 130 रन का भी स्कोर बन सकता है।
स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर बनता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 190 प्लस का ही स्कोर बनता है, और इस मैच में भी आपको 170 प्लस का स्कोर आसानी से देखने को मिलेगा। ऐसे में जो बैट्समैन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको नीचे में बताने वाला हूँ। बात करेंगे टीम न्यूज के, राजस्थान रॉयल की तरफ से देखेंगे, अगर दोस्तों ट्रेंट बोल्ट इस मैच में फिट होते हैं तो फिर वो जेमी निशम की जगह पर प्ले कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 100% अभी न्यूज निकल के नहीं आई है, हमें टॉस के बाद ही 100% न्यूज पता चलती है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होता है कि ट्रेंट बोल्ट इस मैच में खेल सकते हैं जेमी निशम की जगह पर। अब दोस्तों बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो आप देख सकते हैं सैम बिलिंग्स अभी थोड़े बीमार है, मतलब उन्हें इलनेस का प्रॉब्लम है, तो देखेंगे इलनेस होने की वजह से जो वो अभी अगर रिकवर होते हैं तो अगर सैम बिलिंग्स खेलेंगे तो वो किस प्लेयर की जगह पे खेलेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओवरसीज प्लेयर हम एक टीम में ले सकते हैं, फॉरन प्लेयर जिसे हम कहते हैं, और अगर खेलेंगे तो फिर एरन फिंच के जगह पर जो है वो सैम बिलिंग्स खेल सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पर शिवम मा भी खेल सकते हैं अमन खान की जगह पर। बैट्समैन वर्सेस बॉलर की बात करेंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ताकि आपको ये पता चले कि टीम में राइट हैंड बैट्समैन कौन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन कौन है, स्पिनर कौन है, पेसर कौन है, सब कुछ पता चले। अब दोस्तों राजस्थान रॉयल की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके पास सबसे पहले पेसर की बात करेंगे, पेसर्स ने ज़्यादा विकेट निकाले इस पिच पे, तो पेसर की अगर बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा है, कुलदीप सेन है, उसके बाद देखेंगे जेमी निशम है, और मेरे हिसाब से ये तीनों ही इनके पास पेसर है। स्पिनर की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जस्ट मिनट गाइस, ओके स्पिनर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं इनके पास स्पिनर जो है वो युजवेंद्र चहल है, उसके बाद देखेंगे रविचंद्रन अश्विन है, और रियान पराग मेरे हिसाब से बॉलिंग नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो शायद एक आधा इनको पार्ट टाइम के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन अब बात करेंगे कौन कितने ओवर कंप्लीट कर सकता है, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप सेन, उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों जेमी निशम है, रविचंद्रन अश्विन, ये 5 बॉलर ऐसे होंगे जो फुल 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। लेकिन इनमें से अगर कोई बॉलर की पिटाई होती है जैसे रविचंद्रन अश्विन अगर एक ओवर कम करते हैं तो फिर शायद जो है रियान पराग एक ओवर कर सकता है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना चाहिए। मेगाली की टीम बनाती है तो आपको पता होना चाहिए कौन कितना ओवर कंप्लीट करता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, देखेंगे यहाँ पे इनके पास जो पेसर्स है आवेश खान है, उसके बाद देखेंगे पैट कुमिंस है, उसके बाद देखेंगे उमेश यादव दोस्तों, सॉरी एक खान है, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 3 इनके पास पेसर है, आंद्रे रसल है, 4 पेसर है, ठीक है। उसके बाद स्पिनर की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जसमीत गाइस ये ऊपर ही चला जाता है, ओके। बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती है, और यहाँ पे देखेंगे सुनील नारायण, तो मतलब 2 स्पिनर के साथ और यहाँ पे देखा जाए तो 4 पेसर के साथ टीम खेलने वाली है। अब लेकिन सभी के सभी 4 ओवर कंप्लीट नहीं करेंगे, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाएंगे, तो वरुण चक्रवर्ती है, उसके बाद आवेश खान है, उसके बाद देखेंगे पैट कुमिंस है, यहाँ पे देखेंगे उमेश यादव है, सुनील नारायण है। दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट दोस्तों मेरे हिसाब से बॉलर हो गए जो फुल 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इनमें से कोई ना कोई बॉलर ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए कि सुनील नारायण 2 ओवर कंप्लीट करेंगे तब यहाँ पे आंद्रे रसल भी 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह से इनके 20 ओवर हो सकते हैं कंप्लीट। स्कोर कार्ड की बात करेंगे राजस्थान रॉयल की तो देखेंगे जॉस बटलर, देवदत्त पाडिकल, संजू सैमसन, आरविंदर डसन, हेटमायर, ये इनके 5 मेन बैट्समैन हैं जो मेनली स्कोर करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रियान पराग और जेमी निशम, ये दोनों मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएंगे। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन से लेकर देखा जाए तो कुलदीप सेन, ये इनके मेन बॉलर होने वाले हैं इस मैच के लिए। दोस्तों बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेंकटेश अय्यर है, एरन फिंच है, उसके बाद श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, नीतीश राणा, ये इनके मेन बैट्समैन है जो स्कोर करेंगे इस मैच में। वही अगर बात करेंगे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की तो आप देख सकते हैं शेल्डन जैक्सन है और आंद्रे रसल, ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएंगे और स्कोर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे नीचे में जस्ट मिनट गाइस, ओके नीचे में अगर बात करेंगे तो पैट क्यूमिंस है, इनको भी ऊपर भेजा जा सकता है मेरे हिसाब से, जैसे सुनील नारायण को लास्ट मैच में भेजा गया था। उसके बाद उमेश यादव है, आवेश खान है, वरुण चक्रवर्ती, ये 4 इनके इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों। अब बात करेंगे प्लेयर सिलेक्शन की और हमारी ऐप पे चलते हैं और ऐप ओपन कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन देखिए कितना है, जॉर्ज बटलर का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, संजू सैमसन का है, लेकिन शेल्डन जैक्सन का कम है। तो आपको कोई डाउट नहीं रखना है मन में, आपको जॉर्ज बटलर को संजू सैमसन को लेना चाहिए, दोनों का ही प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों को ही चूज़ किया है, शेल्डन जैक्सन 6 नंबर बैटिंग करने के लिए आएंगे, मिडल ऑर्डर में आएंगे, स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं होंगे। दोस्तों बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की तो हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है पहले ये देखना होगा हमें। श्रेयस अय्यर की बात करेंगे जो कि इनका सिलेक्शन देखिए 85%, हेटमायर का 80%, नीतीश राणा का 66%, पाडिकल का बात करेंगे 63%। इन चारों ही प्लेयर का सिलेक्शन अगर देखेंगे दोस्तों
तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब अगर देखा जाए 50% के ऊपर इनका सिलेक्शन है, तो ये चार ही इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन बात करेंगे एरन फिंच को हमें ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एरन फिंच की अगर बात करेंगे, अगर ये चलेंगे तो 50+ की पारी खेल सकते हैं, अगर नहीं चलेंगे तो 10 रन के अंदर ऑल आउट हो सकते, 10 रन के अंदर आउट हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे अरविंदर डसन, मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के लिए उतनी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है, इतना रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट हो गए, उसके बाद नीतीश राणा और पाडिकल। अब दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि हेटमायर को ड्रॉप क्यों किया। देखिए आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको 9 क्रेडिट मैनेज करना होगा, 9 क्रेडिट अगर मैनेज करना है तो हमें हेटमायर को ड्रॉप करना ही होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब मैं आपका टीम का प्रीव्यू दिखाऊंगा उसमें आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह से क्रेडिट हमें मैनेज करना होगा, किस प्लेयर को हमें ड्रॉप करना होगा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने प्लेयर चूज़ किया दोस्तों, श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट हो गए, उसके बाद बात करेंगे हेटमायर को ड्रॉप किया, क्रेडिट मैनेज करने के लिए नीतीश राणा और देवदत्त पाडिकल। अब यहाँ पे एरन फिंच की बात करेंगे, जस्ट मिनट गाइस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर एरन फिंच की बात करेंगे तो देख सकते हैं ये ओपन करेंगे, मैंने कहा आपको कि अगर ये चलेंगे तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एरन फिंच को अगर आपको टीम में ट्राई करना है तो आप पाडिकल की जगह पे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रेडिट का कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पाडिकल इस मैच में चल सकते हैं, तो मैंने पाडिकल को ट्राई किया। अदरवाइज हम लास्ट टॉस के बाद जो है वो पूरी की पूरी तरह से टीम चेंज करेंगे और उसमें फिर एरन फिंच को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन टीम जो बनाती है वो दोस्तों टॉस पे डिपेंड करती है, कौन सी टीम टॉस जीतेंगी उस पे हम टीम बनाते हैं, वही टीम डिपेंड करती है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों नीचे में चलते हैं और ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करेंगे तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास आंद्रे रसल है, उसके बाद पैट कमिंस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन दोनों को ही हम ट्राई कर देते हैं। यहाँ मेरे हिसाब से मुझे लगता है आंद्रे रसल पैट कमिंस इंपॉर्टेंट तो होगी, लेकिन वेंकटेश अय्यर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि वेंकटेश अय्यर के फॉर्म की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वेंकटेश अय्यर का फॉर्म उतना अच्छा भी नहीं चल रहा है। अभी देखेंगे लास्ट के मैच में इन्होंने 6 रन बनाए, उसके पहले बॉलिंग की लेकिन विकेट नहीं मिला, उससे पहले 50 रन की पारी खेली। रियान पराग और जेमी निशम मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं होंगे स्मॉल लीग के लिए। जेमी निशम को ट्राई करना चाहिए नहीं ट्राई करना चाहिए भी बताने वाला हूँ आपको मैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे युजवेंद्र चहल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गए, और उसके बाद देखेंगे प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ट्राई कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन को मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो गए। उमेश यादव और सुनील नारायण इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम भी अपने प्लेयर चूज कर लेते हैं, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, सुनील नारायण, इनका सिलेक्शन देखिए तीनों का सिलेक्शन हाई इसलिए दोस्तों क्योंकि तीनों ही विकेट निकाल सकते हैं इस मैच में। अब बात करेंगे हमारे पास जो क्रेडिट बचा है सिर्फ और सिर्फ 8 क्रेडिट बचा है, ऐसे 8 क्रेडिट में आप किस प्लेयर को दे सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन है जेमी निशम और सेकंड ऑप्शन दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पे कुलदीप सेन। तो अगर आप चाहते हैं जेमी निशम को ट्राई करना तो जेमी निशम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जेमी निशम के भी बॉलिंग करने के 4 ओवर कंप्लीट करने के चांसेस 100% है। लास्ट मैच में जेमी निशम को विकेट नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जेमी निशम को ड्रॉप करके मुझे कुलदीप सेन को लेना चाहिए। अब कुलदीप सेन की अगर बात करेंगे तो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले बात अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं कुलदीप सेन जो है वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और पेसर को सपोर्ट मिल रहा है। वही अगर हम बात करेंगे तो जेमी निशम की, जस्ट मिनट गाइस, ओके फिर से यार ऊपर ही चला जाते हैं, ओके जेमी निशम की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जेमी निशम भी राइट आर्म मीडियम बॉलर है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही पेसर है। लेकिन बात अगर करेंगे लास्ट मैच का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको मैं दिखा देता हूँ, कुलदीप सेन लास्ट के दोनों ही मैचेस में 1-1 विकेट निकाला है और इनकी बॉलिंग भी ठीक ठाक है। और अगर जेमी निशम की बात करेंगे तो अभी फिलहाल के लिए इनको विकेट नहीं मिला है दोस्तों, ओके। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये बॉलर्स इंपॉर्टेंट हो गए। अब ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स की बात करेंगे, जेमी निशम, प्रसिद्ध कृष्णा ओपनिंग बॉलिंग कर सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा कुलदीप सिंह डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, याद ये ऊपर ही चला जाता है, ओके बात करेंगे उमेश यादव, पैट कमिंस ओपनिंग बॉलिंग करेंगे, पैट कमिंस, उमेश यादव या फिर आंद्रे रसल डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों ये 10 प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे हिसाब से, आपको एक प्लेयर पे रिस्क लेना है जो मैंने आपको बताया है, किस प्लेयर पे लेना है आपको, शिमरन हेटमायर पे। दोस्तों 10 बजे या फिर 11 बजे जो है, सॉरी 11 बजे जो है स्मॉल लीग का ग्रैंड लीग का वीडियो आ जाएगा मेगा लीग का, उस वीडियो में हम देखेंगे ग्रैंड लीग के प्लेयर्स, उसके बाद देखेंगे मेगा लीग के टीम्स और उसके देखेंगे प्लेयर बैटल, ये तीनों ही पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो 11 बजे जो मेगा लीग का वीडियो आएगा वो वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉर्ज बटलर, उसके बाद आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। अब दोस्तों हम अपने भी कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर लेते हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करने के बाद हम टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। मेरे हिसाब से आंद्रे रसल इंपॉर्टेंट हो गए कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन की बात करेंगे जॉर्ज बटलर। दोस्तों ये मेरा टीम का प्रीव्यू होने वाला है, जस्ट मिनट गाइस, ओके।
ये मेरा टीम का प्रीव्यू होने वाला है। अब थोड़ा सा आपको ये अलग लग रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा अलग लगा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इस टीम में आपको क्या चेंजेस करना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे चेंज करना भी है तो कुलदीप सेन को ड्रॉप करके आप यहाँ पे जो है जेबी नीशम को ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे देवदत्त पाड़ीकर को ड्रॉप करके एरन फिंच को ट्राई कर सकते। तो इस तरह से आपका प्रीव्यू होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है दोस्तों कि इस टीम में आप इस मैच में आपको कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, लेकिन मेरी जो टीम होगी देवदत्त पाड़ीकर को टीम में ट्राई करूंगा, हेटमायर को मैं टीम में ट्राई नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जेबी नीशम को ड्रॉप करके मैं यहाँ पे कुलदीप सेन को टीम में ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन टॉस पे डिपेंड करेगा कि टॉस कौन सी टीम जीतती है और यहाँ पे जो है वो किस तरह से बैटिंग लाइनअप इनकी होती है। दोस्तों तो ऑलरेडी जो मैंने टीम बनाई है वो आपको दिखा देता हूँ, ये टीम दोस्तों मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो इस तरह से मेरी टीम होने वाली है, कैप्टन आंद्रे रसल को, वाइस कैप्टन जॉस बटलर को। अब टीम का प्रीव्यू दोस्तों यही है, देखिए आप यहाँ पे जो अगर टीम का प्रीव्यू देखेंगे तो ये ब्लू आ रहा है, लेकिन अगर बात करेंगे तो नेटवर्क के इशू के कारण जो है यहाँ पे ये ग्रीन हो रहा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए तो लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। इसी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने अदरवाइज किसी भी फेक चैनल पर नहीं ज्वाइन होना है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।